Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. And yes guys, आज की वीडियो होने वाली है सुपर डुपर फ्लफी डफी, बिकॉज आज मैं फाइनली फ्लफी पेंस को ट्राई करने जा रही हूँ. वेट, फ्लफी नहीं पफी पेंस. मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी चीज धरती पे एग्जिस्ट भी करती है, बट मैंने इनको कभी आज से पहले यूज नहीं किया था. यार ये कॉन्सेप्ट ही अलग है कि तुम नॉर्मल पेन की तरह इन्हें यूज करोगे एंड हीट देने के बाद ये जो इंक है ना वो ऐसे थर्मोकोल की तरह फूलती चली जाएगी, which is just so crazy. Is it even possible? यार ये आविष्कार कब हुआ धरती पे? इसमें है 6 neon colors. फटाफट इन्हें अनबॉक्स करके और यूज करना स्टार्ट करते हैं. वाओ, सही है. दिखने में तो ये काफी नॉर्मल है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ चमत्कारी चीज है. फिंगर्स क्रॉस गाइज. भाई ये निप कैप देख रहे हो, ये टाइनी प्लास्टिक का पीस मुझे हर पेन में से निकालना होगा. चलो टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं. देखो नॉर्मल पेन या नॉर्मल स्केच पेन जैसा एसेंस तो बिल्कुल नहीं है इसका. जब किसी इंक में जेल को ऐड करते हैं ना तो ऐसा टेक्सचर आता है, स्मेल भी वैसी आ रही है. इंक को यूज करने के बाद अब हम हेयर ड्रायर से इसे फुलाने की कोशिश करेंगे, बट द क्वेश्चन इज फूल कैसे सकता है? कैसे? वेट, ये तो अभी ट्राई करके ही पता चलेगा. सो जल्दी से अपने ड्रायर को यूज करते हैं, बट अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा यार. आई एम नॉट इवन गेटिंग गाइस, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे. क्या हो रहा है? रोने से कुछ नहीं होगा यार, ट्राई तो हमें करते रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो गई आज. ओह माय गॉड दोस्तों, कुछ तो हुआ. Oh my God, finally guys, हो गया है ये, थोड़ा सा तो बड़ा हो गया है. And I'm so excited, I cannot believe this. मैं same process को एक और बार repeat करूंगी and बाकी सारे colors को भी फटाफट से test करूंगी. भाई साहब इसका texture literally popcorn type का ही है, ऐसा लग रहा है जैसे thermocol mix कर दिया होगा. I don't know, मतलब it's so different यार, super cute. I am sure इसकी art pieces बहुत ही ज्यादा धमाकेदार लगेंगे and हम इसे craft में कितने different तरीके से use कर सकते. Especially scrapbooks. देखो यार अभी तक तो हम सिर्फ टेस्टिंग. अरे यार मेरा मतलब है अभी तक हम सिर्फ टेस्टिंग करते आ रहे हैं. तो मैंने सोचा यार चलो इसका कुछ फुल फ्लेजेड नॉर्मल सा कुछ ड्रॉइंग टाइप का बनाता है, जिससे पता तो चले कि हम इसको किन किन तरीके से यूज कर सकते हैं. तो ये भी थोड़ा रफ ही होने वाला है, बट हमें इससे काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा कि हम फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं इस पेन के साथ. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लू कलर के बादल. बादलों में इफेक्ट कितना कूल लगेगा. सन डिपिक्ट करने के लिए मैंने येलो तो यूज कर लिया है, अब झट टाक से ऑरेंज कलर को भी थोड़ा मिक्स करके देखते कि यार कैसा इफेक्ट आएगा फुलाने के बाद. बाय द वे यार ये नियॉन कलर्स है, इसीलिए ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. आई विश ये नॉर्मल कलर्स होते, नियॉन नहीं होते तो कितना बेटर होता. बट एनीवे नो कंप्लेंट्स गाइस, हम हर चीज के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं. तो फटाफट से अब जमीन को भी बना देते हैं. उसमें भी मैं प्लान कर रही हूँ थोड़ा मिक्सचर बना देती हूँ यार ब्लू कलर को ऐड करके, ऐसे थोड़ा डार्क ग्रीन टाइप का इफेक्ट आएगा. आई जस्ट होप अच्छा लगे, और अगर नहीं लगा तो मैं रो दूंगी. देखो यार रोना धोना साइड में छोड़ते हैं एंड इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देते हैं. उसके बाद मैं अपने हेयर ड्रायर को यूज करके कर दूंगी कलाकारी, जो मेन कलाकारी है वो शुरू. आई जस्ट होप सब अच्छे से फुगे. व्हाट द हेल, कम ऑन यार, फुगना ही तो बोलेंगे इसे. गर्म हवा का झोंका जब इस पेन पे गिरता है तो फुगता ही तो है कलर. देख लो यार क्या 2D से 3D बन गया, ये क्या सही लग रहा है. व्हाट डू यू गाइस थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अच्छा तो मैं इसे ऐसे ही नहीं खत्म करने वाली हूँ, मैं सोची थोड़ी और डिटेल्स ऐड कर देती हूँ जिससे कि ये नेक्स्ट लेवल पे चला जाए और भी ज्यादा. अभी इसे इनकम्प्लीट सा लग रहा ना, झटपट मैंने अल्कोहल मार्कर्स को यूज करके बॉर्डर बना दिया, सिजर्स की हेल्प से कट कर दिया है. और अब मैं अल्कोहल मार्कर्स की हेल्प से पूरा कलर कर दूंगी वो आउटर एरिया एंड उसके बाद ये रहा हमारा फाइनल पीस गाइस. कितना क्यूट लग रहा है ये. क्या कोई सोच सकता है कि ये हमने पेन को यूज करके किया है ये 3D इफेक्ट. भाई साहब ये पेन तो चमत्कारी है सच्ची. एनीवे गाइस नाउ मूविंग ऑन विद द वीडियो. अब मैंने सोचा है क्यों ना मैं फुल फ्लेज्ड एकदम प्रॉपर ड्राइंग बनाऊं, क्योंकि ये तो ऐसे रफ टाइप का था ना. तो अब मैं सोच रही हूं क्यों ना मैं फूड इलस्ट्रेशन बनाऊं. आप में से काफी लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे फूड इलस्ट्रेशन. तो मैंने सोचा आज हो ही जाए शिवांगी. चिल शिवांगी चिल. तो यस मैं अपनी बेसिक सी पेंसिल को यूज करते हुए रफ स्केच बना रही हूँ एंड वो भी कंप्लीट होने के बाद अब फाइनली टाइम आता है यार इनको यूज करने का. देखो धक धक तो काफी ज्यादा फील हो रहा है, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमें इसे फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा. तो इफ यू गाइस नोटिस हियर, यहाँ पे मैंने जो इलस्ट्रेशन बना रखी है उसमें है कैंडी आइसक्रीम शेक बोबा टीवी डाली हुई है मैंने, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. यम 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 यम. ये सारा का कॉम्बिनेशन मुझे लगा कि फिट बैठेगा
एकदम परफेक्टली जो कलर्स हैं उनके साथ। हालांकि आपको पता है मुझे नियॉन कलर्स इतने ज्यादा नहीं पसंद, बट ठीक है यार, हम इस चीज के लिए क्रिब नहीं कर सकते, हमें ये करना पड़ेगा। मैं फटाफट छोटी छोटी नन्ही नन्ही डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी, तब तक आप थोड़ा म्यूजिक सुन लो एंड मैं काम पे कॉन्सेंट्रेट कर लेती हूँ यार। बहुत हुआ यार, बहुत गाना सुन लिया, अब मैं थोड़ी बड़बड़ भी कर लेती हूँ। सो आपने देख लिया मैंने जो ये ड्रॉप सिरप्स के ऐड कर दिए, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। इस पे भी ना मैं शेडिंग ऐड कर रही हूँ पर्पल कलर की हेल्प से। जैसे आपको याद है मैंने लास्ट पेंटिंग में, पेंटिंग तो नहीं थी, पता नहीं क्या बनाया, वही सेम इफेक्ट मैं यहाँ पे इन ड्रॉप्स में डाल रही हूँ जिससे कि और भी ज्यादा प्रिटी लगे। अब देखो यार, जो भी पेंटिंग अचीव करना चाहती हूँ उसके लिए मैं सब में तो ये फ्लफी फ्लफी जो भी नाम है इसका, ये पेन यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं सोची हूँ इसको थोड़ा कंबाइन कर लूँ एक नॉर्मल पेन के साथ या पेंट्स के साथ या कलर्स के साथ। सो मैंने प्लान किया है क्यों ना मैं वाटर कलर्स को यूज करके जो बाकी की चीजें जो मुझे 2D रखनी है उनको पेंट करूँ एंड उसके ऊपर मैं वापस से 3D वाला ये पेन फ्लफी पेन यूज करने लग जाऊंगी, सॉरी पफी पेन। मैं नाम क्यों भूल जाती हूँ यार इसका, मतलब हद हो चुकी है। बट एनीवे गाइस, आप देख रहे हो ना मैं ढेर सारी डिटेल्स ऐड करती जा रही हूँ वाटर कलर्स की हेल्प से। अगर आपके पास वाटर कलर्स नहीं है तो आप नॉर्मल स्केच पेंस का भी यूज कर सकते हो, आप पेंसिल से भी शेडिंग कर सकते हो यार, वो भी बहुत ज्यादा कूल लगेगा इसमें। एनीवे यार, जो जो इसमें कलर्स नहीं है, बिकॉज आप लोगों को पता है इसमें सारे नियॉन कलर्स भर दिए यार, नॉर्मल कलर भी दे देते तो कितना बेटर होता। जहां जहां मुझे 3D इफेक्ट दिखाना है मैं वापस से अपने पफी पेंस को यूज करना स्टार्ट कर दूंगी। ओह माय गॉड, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ फाइनल आउटकम के लिए, क्योंकि अभी हम जो भी बना रहे हैं वो बाद में जो बनेगा उससे बहुत डिफरेंट लगने वाला है, कलर्स थोड़े लाइट हो जाएंगे, ये एकदम 3D हो जाएगा। चलो यार, मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं किया जा रहा, फटाफट हेयर ड्रायर को यूज करना स्टार्ट करते हैं। जितना इस हेयर ड्रायर को मैंने अपने आर्ट पीसेस में यूज किया होगा, आई डोंट थिंक सो उतना मैंने अपने बालों के लिए यूज किया होगा। भाई साहब देख रहे हो यार, ये कितना अमेजिंग इफेक्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है सच में सिर्फ कोई गिर रहा है, झाग गिर रहा है मेरी इस ग्लास से, इट इज लुकिंग सुपर डुपर प्रिटी। ओके, तो मैं अभी हार नहीं मारूंगी, मैं थोड़ी और डिटेल्स ऐड करूंगी इसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए। आई मीन कितना सही लगेगा, I just hope मैं एक्सपेरिमेंट कर कर इसको खराब ना कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मेहनत जा चुकी है इसमें। बट गाइज, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ कर ही लेंगे यार, नो डाउट ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसको करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बिकॉज ये जो इफेक्ट दे रहा है ना, आई डोंट थिंक सो वो कोई और मटेरियल दे सकता है, सो इट्स सुपर फन। प्लस ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये हीट होने में बहुत टाइम ले रहा है, मुझे लग रहा है मेरा बिजली का बिल तो इस बार मतलब गया। जस्ट किडिंग गाइस, सो ये ऑलमोस्ट हो रहा है कम्प्लीट, मैं थोड़ी और डिटेल्स ऑफ कोर्स ऐड करूंगी जिससे कि ये और भी ज्यादा प्यारा लगे। वाह वाह वाह, वाओ वाओ, क्या इफेक्ट आया है ना यार, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है यार। तो एनीवे यार, अभी भी ना ये मुझे बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट लग रहा है एंड इनकम्प्लीट चीजें मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती, तो मैं ना ब्लैक वाटर कलर की हेल्प से आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर दूंगी। अब ये भी सही है, एंड ये करते करते आई हैव रियलाइज कि इस फूले हुए पार्ट पे भी मैं इसको जब अप्लाई करी तो आराम से पेंट अप्लाई हो रहा है, विच इज जस्ट सो अमेजिंग। तो हम कुछ भी कर सकते हैं यार इसके ऊपर भी, मतलब आज तो एक्सपेरिमेंट्स की भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है मुझे इस वीडियो में, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कोई ऐसे आर्टिस्टिक पीस नहीं बना रहे हैं, हमने इन्हें एक्सप्लोर किया प्रॉपर्ली एंड बहुत मजा आया। तो आपको भी इस वीडियो से आई होप आइडिया मिल गया होगा कि इन पेन्स को यूज करके हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं यार। स्क्रैप बुक्स पे ये बहुत अमेजिंग लगेगा, अगर आपको कोई क्राफ्ट का काम है उस पे बहुत अमेजिंग लगेगा, कुछ टाइटल्स लिखने अगर आपको कॉपी में बुक में, इट विल लुक अमेजिंग। सही में यार, काफी डिफरेंट तो लग रहा है ना। तो जल्दी से जब तक मैं इसे कम्प्लीट कर रही हूँ तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको पसंद आई हो तो, एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट वीक क्या चाहिए। सो यस गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, उसी से आपको पता चलेगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। आई लव यू गाइस बहुत 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 सारा, बाय।